एक्सेट्रा। लोगों से, धनबाद वासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप अब 18 प्लस के जो भी लोग हैं वो अपने नजदीकी सेंटर पे जाए और वैक्सीन लगाए, क्योंकि वैक्सीन के अलावा हमारे पास अभी कोई कोरोना का कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन को बर्बाद ना करें। और जो भी फेक र्यूमर्स और लोगों में है कि वैक्सीन लगाने से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो सब से बचे, क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट को थैंक्स करना चाहूंगी। और मैं मुझे इस बात का बहुत गर्व का महसूस करती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में कोरोना वैक्सीन बना, लोगों का जान भी बचा रहे हैं। एक टीका एक जीवन बचाता है, इसी वजह से आप टीका को बर्बाद ना करें और अफवाहों से बचें। धनबाद के वासेपुर में जमीन कारोबारी लाला हत्याकांड के मुख्य शूटर आशीष सिंह को गिरफ्तार करने बोकारो गई पुलिस को। सेक्टर 12 स्थित बारी को ऑपरेटिव कॉलोनी निवासी अशोक कुमार के किराएदार मनीष कुमार सिंह व विवेक कुमार सिंह पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने इनके पास से 11,18,000 रुपए भी बरामद किया। धनबाद पुलिस इन्हें धनबाद न्यायिक हिरासत में पेश की है, जिसके बाद धनबाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार लाला हत्याकांड की पूरी साजिश बोकारो के उसी घर में रची गई थी। मनीष व विवेक और भी कई राज खोल रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि लाला खान हत्याकांड के पहले आशीष ने अपना ठिकाना बोकारो सेक्टर 12 स्थित बारी को ऑपरेटिव कॉलोनी में मनीष कुमार सिंह के यहाँ बनाया गया था। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि लाला हत्याकांड में 10 दिन पहले आशीष ने धनी डब्लू और अमर रवानी को बुलाया था। वहीं बैठकर घटना को अंजाम देने की रूपरेखा तैयार की गई थी। मीटिंग के बाद विवेक के खाते से 8 दिन पहले 15,000 दिए थे। घटना के दिन 20,000 की निकासी हुई थी। बताया कि मनीष व विवेक स्क्रैप का काम करते हैं। रंगदारी के पैसे का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विवेक करता था। जांच के दौरान पुलिस को विवेक के नाम से कैनरा बैंक का खाता मिला। इसमें 3,32,000 रुपए हैं। पुलिस ने उस खाते को फ्रीज कर दिया है। मनीष व विवेक की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद पुलिस को अहम जानकारी यहाँ भी हाथ लगी कि आशीष सिंह यहीं के कई जिलों में अपना व शॉप कायम करने का काम और रंगदारी वसूलने का काम करता था। हो गया।